goblins! खुद को कानून के हवाले कर दो। प्रिंस, प्रिंस समझदारी से काम लो, हमारी बात मानो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। भागने की कोशिश बेकार है प्रिंस, चारों तरफ से घिर चुके हो तुम। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मजबूर होकर मुझे गोली चलानी पड़ जाएगी। मेरी बात मान लो, सरेंडर कर दो। अब यही आखिरी रास्ता बचा है तुम्हारे सामने। कहा था ना, हम जेल नहीं जाएंगे, हम पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। गलती कर रहे हो प्रिंस, तुम अपना अपराध बढ़ा रहे हो। प्रिंस, प्रिंस की गलती मत करो, लड़की समझा प्रिंस को, ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। प्रिंस, प्रिंस गन फेंक दीजिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, भगवान के लिए कान छोड़ दीजिए, आप पुलिस से भाग के नहीं जा सकते। नहीं नंदिनी, हम किसी भी हालत में अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। गन फेंको प्रिंस, मैंने कहा गन फेंको। अगर तुमने गन नहीं फेंकी तो मजबूर होकर मुझे तुम्हें गोली मारनी पड़ेगी। मुझे मजबूर मत करो प्रिंस, गन फेंको। अगर आपने मेरी तरफ पड़ने की कोशिश की तो मैं भी गोली चला दूंगा। कानून से डरकर भागते फिरते हुए मुजरिम के सीने में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो गोली चला सके। गन डाउन, आई सेड गन डाउन। अगर 5 सेकंड के अंदर तुमने बंदूक नहीं फेंकी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वन नंदिनी, आगे खोली, हमसे गलती हो गई। महाराजा, महाराजा आगे खोली। नंदिनी, नंदिनी आगे खोली, नंदिनी, नंदिनी आगे खोली ना।
नंदिनी, नंदिनी! भर जिसने कभी तुम्हारे अस्तित्व को माना ही नहीं, उसका राज तुम्हारे सामने झुक गया है। भगवान, हम जानते हैं कि हमने बहुत पाप किए हैं। हमसे बड़ा पापी तो इस पूरे संसार में कोई नहीं है। अरे, हम एक पाप होकर अपनी औलाद को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते रहे। ऐसे पापी पाप का दिल पसीज गया अपनी औलाद की हालत देखकर। तो फिर तुम तो भगवान हो, तुम रजवा और नंदिनी की ऐसी हालत कैसे देख सकते हो? हमारे बच्चों की जान बचा लो। हम आपको वचन देते हैं भगवान कि हम जिंदगी भर कोई पाप नहीं करेंगे, कभी किसी के प्रति कोई द्वेष या बैर अपने दिल में नहीं पालेंगे। अपने बच्चों की ऐसी हालत हमसे नहीं देखी जा सकती भगवान। उनके बिना ये घर बिखर जाएगा। राजा और नंदिनी के घर की जान है। इस घर को बिखरने से बचा लो भगवान, इस घर को बिखरने से बचा लो। भाई राजा और नंदिनी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। शुक्र है दोनों की जान बच गई और दोनों अब खतरे से बाहर हैं। मैंने अपने पूरे मेडिकल कैरियर में ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा। जरा सी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कभी कभी भगवान की इच्छा के आगे मेडिकल साइंस भी झूठा साबित हो जाता है। इट्स अ मिरेकल। भाई बहन के नाजुक रिश्ते की डोर को जिंदगी की कसौटी पे और भी खरा उतारना मेरे अल्लाह। इन दोनों को मेरी उम्र लग जाए, भाई बहन का ऐसा प्यार दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं। आप ठीक कहती हैं, आपने हमारी सुन ली ईश्वर, हमारी सुन ली। मैंने आपसे कहा था ना बाबा, उनको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा।
पास। राजा हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। खुश रहो बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हमने कहा था ना नंदिनी, कुछ नहीं होगा तुम्हारे सुहाग को। बिरजू श्रीवास्तव की पत्नी ने केस वापस ले लिया है। अपने सुहाग को खोने के बाद वो नहीं चाहती थी कि तुम भी उस दर्द से गुजरो। सच में बहुत महान औरत है वो। शंभू के बयान और घटनास्थल से मिले सबूत को देखने के बाद अदालत को भी ये लगा कि प्रिंस ने बिरजू को जानबूझकर नहीं मारा, वो एक एक्सीडेंट था। इसलिए प्रिंस को सारे इल्जामों से बरी किया गया है। एक्सीडेंट के बारे में किसी को नहीं बताकर तुमने गुनाह जरूर किया था प्रिंस, लेकिन इस गुनाह की सजा खुद को पश्चाताप की आग में जलाकर दे चुके हो। अब पिछली सारी बातों को भूलकर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। भाई राजा, जिंदगी तो हमें अब समझ में आई है। कभी कभी सोचते हैं कि अगर आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। बेटा अंत भला तो सब भला। चलो अब जल्दी करो, सब लोग शांति की तस्वीर के आगे जाके आशीर्वाद लो उससे। और फिर नंदिनी तुमको राखी भी तो बांधेगी ना भाई। अच्छा राजा, मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूं। बाय प्रिंस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपसे किया गया वादा आज पूरा हो गया अम्मा। आज हम तीनों बहन भाइयों का घर पूरी तरह से बस चुका है और बाबा भी हमारी खुशियों में सच्चे दिल से शामिल हो गए हैं। आप भी यही चाहती थी ना अम्मा। अब आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, हमारी घर की खुशियों को ऐसे ही बनाए रखिएगा।
इस बार आपने हमें राखी का तोहफा राखी बांधने से पहले ही दे दिया। प्रिंस को वापस लौटाकर। अब तू ही बता, भला आज के दिन हम तेरे आंखों में आंसू कैसे देख पाते? राजा भैया, जिस बहन के पास आप जैसा भाई हो उसकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आ सकते। आपने सच में बचपन से लेके आज तक सच में एक बड़े भाई का फर्ज निभाया है। बचपन से लेके आज तक तू भी तो छोटी बहन का फर्ज निभाती आई है। अब तो ही बता, भला हम बड़े भाई का फर्ज कैसे नहीं निभाते? अब चल जल्दी से राखी बांध, बहुत जोर की भूख लगी है हमें।